एंकर का स्टे दिखा के जाऊंगा आज। हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेक पे जो हम एंकर वॉच करते हैं उसमें हमारी ड्यूटीज क्या होती है। सो फर्स्ट, अभी हम एंकर पे ही हैं साउथ चाइना सी में। तो पिछले 5 दिनों से हम एंकर पे हैं, हमको बर्थ नहीं मिली है अभी, तो हम एंकर पे ही अभी वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेक पे हमारी क्या क्या ड्यूटीज है। ब्रिज की ड्यूटीज अलग है और डेक पे हमारी क्या क्या ड्यूटीज है। सो राइट नाउ आई एम इन टैली ऑफिस। अभी मैं टैली ऑफिस में हूँ जहाँ पे हम अपनी ISPS डेस्क और बुकलेट्स और बाकी की चीजें रखते हैं, हैंड सैनिटाइजर और थर्मामीटर गन्स फॉर विजिटर्स। तो अभी मैं वहाँ पे हूँ बिकॉज बाहर वेदर काफ़ी विंडी है और रोलिंग हो रही है थोड़ी बहुत। तो अगर मैं बाहर आपको फ़ोन ले जाके वीडियो बनाऊंगा तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, सिर्फ एयर की आवाज़ सुनाई देगी, दैट्स इट। तो बाकी जो बोलने वाली बात है वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो फर्स्ट हम एंकर वॉच में पायरेट्स के लिए हमने एक्चुअली एंकर वॉच रखी हुई है क्योंकि वो आके चोरी करते हैं शिप्स पे। बट साउथ चाइना सी में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे पायरेट्स आए, बिकॉज ये मोस्टली सोमालिया साइड या साउथ अफ्रीका या सीरिया इन कंट्रीज की तरफ होता है। साउथ चाइना सी में ऐसा नहीं होता है। बट किसी ने रिकमेंड करा था कि मतलब उनकी जब वो आए होंगे यहाँ पे अपनी किसी और कंपनी में किसी और वेसल पे, तब साउथ चाइना सी में उनके वेसल पे चोरी हुई थी। तो इसीलिए वो जो है उनकी रिकमेंडेशन पे, उनके कंसर्न पे यहाँ पे हमको एंकर वॉच रखनी पड़ी है डेक पे। अदरवाइज ब्रिज पे होती है लेकिन डेक पे नहीं होती है, बट डेक पे यहाँ पे रखनी पड़ी है। एज सच अभी तक 5 दिनों में हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी है, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी। तो फर्स्ट थिंग हमको देखनी है कोई अनऑथराइज्ड बोट हमारे वेसल की तरफ अप्रोच ना कर रही हो, लाइक पायरेट्स की जो होती है वो आके क्या करेंगे, हाईजैक कर लेंगे शिप को और जो है या फिर चीज़ें चुरा लेंगे। चीज़ें भी चोरी हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलेगा लॉकर्स में से कहीं से भी। सो पहला हमको बोट्स वगैरह या ये कोई भी अप्रोच कर रही है हमारी शिप की तरफ तो वो देखनी है, ठीक है। ये मेन ड्यूटीज़ है, वैसे ड्यूटीज़ बहुत है, तो पहली है। सेकंड आपको क्या देखना है, जो हमने डोर्स लॉक करे हैं जहाँ से सामान चोरी हो सकता है, कुछ पे हमने ताले लगाए हैं और कुछ पे टैग्स लगाए हैं, ब्लू कलर के टैग्स होते हैं। वेट आई विल शो यू। ब्लू कलर के नहीं, मतलब टैग्स तो किसी भी तरीके के होते हैं बट होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, ये वाले, ओके, दीज काइंड ऑफ टैग्स। ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको डोर पे कैसे लगे हुए रहते हैं ये। तो डोर को लॉक करने के लिए, ताकि अगर वो कोई खोले तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पे किसी ने अनवांटेड एंट्री करी है। थर्ड हमें क्या करना है कि हमें एंकर का स्टे बताना है। जैसे हमको एंकर में फॉरवर्ड एंड आफ्ट में आके राउंड करना है, राउंड लेना है, पोर्ट साइड एज वेल एज स्टारबोर्ड साइड, दोनों साइड राउंड लेना होता है। तो हमको जो है फोकासल में जाके एंकर चेन का जो स्टे है, मतलब 11 o'clock 12 o'clock शॉर्ट स्टे, लॉन्ग स्टे, मीडियम स्टे ट्रैक कर रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हम देख सकते हैं वहाँ से कि वो कौन सी पोजीशन में स्टे है, मीडियम स्टे है, लॉन्ग स्टे। बस हम इतना करके जो है ब्रिज पे जो ऑफिसर ऑन वॉच होता है उसको हम रिपोर्ट कर देते हैं, बाकी का वो वहाँ से देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ रहती है, फोर्थ वन, हमने जो एंकर चेन होती है, जब हम एंकर लेट गो करते हैं, जब शैकल्स डाउन कर देते हैं सी वाटर पे, सिक्योर कर देते हैं, तो बो स्टॉपर डालने के बाद हम उसके ऊपर एक फ्लैग लगा देते हैं वाइट कलर का, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ब्रिज से आप देख सकते हैं कि एंकर चेन अगर खिंच रही है, मतलब और जितनी हमने ले डाउन करी है सी बेड में उससे ज़्यादा अगर वो और जा रही है नीचे, तो वो जो फ्लैग होता है वो टिल्ट होता रहता है हल्के हल्के, तो इससे हमें पता चल जाता है कि एंकर ड्रैग हो रहा है और जो है करंट, विंड, ये सब काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं। सो ये भी हमको देखना पड़ता है यहाँ से कि वो फ्लैग की पोजीशन देखनी पड़ती है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे और कैसे आप अपनी शिप में आपको पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मैंने ड्यूटी आपको बताई थी टू कीप आई ऑन एनी अनऑथराइज बोट अप्रोचिंग टूवर्ड्स योर वेसल, सो आप जो है सी में पोर्ट साइड, स्टारबोर्ड साइड, आफ्ट में और फॉरवर्ड में तो इतना जाते नहीं क्योंकि 300 मीटर का शिप है तो काफ़ी मतलब टाइम उसमें लग जाता है।
बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई अगर बोट आपकी वेसल की तरफ अप्रोच कर रही है तो आपको ऑफिसर ऑन वॉच पे जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा वॉकी टॉकी से. सो दैट्स हाउ यू विल कीप एन आई ऑन एन बोट अनऑथराइज्ड बोट विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर वेसल. ओके, योर सेकेंड ड्यूटी इज टू लुक फॉर दिस काइंड ऑफ लॉक्स. ये हमारे बोसन ने जो है लॉक्स लगा रखे हैं, तो आपको ये भी चेक करना है कि ये लॉक्स खुले ना हो या टूटे ना हो. ठीक है, ये बोसन स्टोर है, कारपेंटर स्टोर भी कहते हैं इसे हमारे आफ्ट का. मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूँ बिकॉज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. ये अपना पेंट स्टोर है, ठीक है, और पेंट स्टोर में भी लॉक लगा के रखा हुआ है. तो ये जब आप टेक ओवर लेते हैं, हैंड ओवर जो बंदा आपको करता है और आप वॉश टेक ओवर लेते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है उसके जाने से पहले. ये सब, ये गार्बेज लॉकर है बिकॉज अगर कोई लॉक टूटा है या कुछ है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये ड्राई प्रोविजन स्टोर है या खाने का सामान रखते हैं, इसमें अंदर से ही लॉक रहता है. बाकी टैग्स मैं आपको दिखाता हूँ, टैग्स कैसे लगे हुए रहते हैं. ये एसी रूम है, एसी रूम में ये देखिए टैग लगा हुआ है. तो दीज काइंड ऑफ टैग्स आपको ये भी चेक करना है टूटे ना हो. ये कल ही लगाए थे मैंने. तो ये एसिटिलीन का है डोर, फिर ये ऑक्सीजन के लिए है. यहाँ पे सिलेंडर्स रखे हुए हैं अंदर जो वेल्डिंग्स में यूज़ होते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन में. बाकी ऐसे काफ़ी डोर हैं, ये फायर इमरजेंसी डोर है, इसमें भी लगा रखा है. ये देखिए टैग लगा रखा है, तो ये टूटे भी नहीं होने चाहिए. ठीक है, मेक श्योर जब आप वॉच टेक ओवर ले रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें उसके साथ जाके जिससे टेक ओवर आप ले रहे हैं राउंड लें. ये स्विच क्रू का रूम है, टेक ओवर ले रहे हैं आप, मेक श्योर कीजिए ये सारे लॉक जो है वो इनमें से कोई भी लॉक टूटा ना हो. अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आपको एंकर चेन का स्ट्रे दिखाऊंगा. ठीक है, एंकर चेन का स्ट्रे आप कैसे रिपोर्ट करेंगे और कैसे देखेंगे. तो अभी 300 मीटर तक आगे जाना है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को. ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट. मेरा चीफ ऑफिसर बस ऊपर से देखना रहा हूँ. ठीक है, तो अभी मैं एंकर आपको दिखाता हूँ. बहुत टाइम बाद मेरे को मौका मिला है वीडियो बनाने के लिए. मैं 4-5 दिन से ट्राई कर रहा था बट कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी. एंड वन मोर थिंग, ये मेरी एंकर वॉच नहीं है. ठीक है, ये एंकर वॉच एक ए बी करता है, एक ओ एस करता है. सो ये 6-6 घंटे की होती है. एक 6 से 12 शाम को अपना ए बी करता है वॉच, और एक 12 से सुबह 6 बजे तक. तो डेक की जो वॉच होती है वो सनसेट से सनराइज तक होती है. सो जब तक अंधेरा रहता है तब तक डेक पे वॉच में रहना है. बाकी ब्रिज तो 24 आवर्स मैन रहता ही है. सो मैं सिर्फ मॉर्निंग में उसको 6 बजे रिलीज़ करने आता हूँ, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी सुबह 4 बजे से ब्रिज पे है. मैं आधे घंटे के लिए 45 मिनट के लिए जब तक उजाला नहीं होता तब तक डेक पे रहता हूँ. 6 बजे वो इसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ, उसके बाद वो अपने काम पे चला जाता हूँ बैक टू ब्रिज, फ्रेश वाटर साउंडिंग्स एंड ऑल. ओके, सो 300 मीटर छोटा नहीं होता, काफ़ी लंबा है. ठीक है, वैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं घूम करके दिखाता हूँ आपको. ये सब भी बढ़ता वेट कर रहे हैं, अभी तो लगता है जाएगा कभी. अभी और दिन बढ़ेंगे, अभी 12 तारीख को हो रहा है, 12 नवंबर को ये बर्थ मिलेगी. सो लेट्स सी, पिछली बार जब चाइना आए थे तो 15 दिन एंकर में रहे थे. अब देखते हैं हम कितनी देर रहेंगे. बाकी बोर्ड पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बोर्ड पे फास्ट ऑपरेशन है इनके. तो 2-3 दिन में ये जो है, एक्चुअली मेरा जो वेसल है वो केप साइज है, मीन्स इसमें 9 कार्गो होल्ड्स है. बट स्टिल वो इतनी जल्दी ऑपरेशन करते हैं, अनलोडिंग ऑपरेशन ऑफ कार्गो, कि 2-3 दिन में जो डिस्चार्ज हो जाता है अपना कार्गो. तो मेरे चीफ ऑफिसर का मैसेज आ चुका है, वापस आ जाओ, बट मैं आपको एंकर का स्ट्रे दिखा के जाऊंगा आज. ये रहा, ये देखो दिख रहा है, तो ये एंकर चेन जो है 10 o'clock पे आ चुकी है और इसका एकदम शॉर्ट स्ट्रे है. तो ऐसे आप शॉर्ट स्ट्रे मीन्स काफ़ी पास में है चेन तक, ड्रैग नहीं हो रखी है. तो इसमें जो है ये ऐसी दिख रही है. बाकी नज़ारा देखो, नज़ारा देखो बढ़िया है. बस आपको फ्लैग देखो, ये कितना टिल्ट हो गया. हमने इसको खड़ा करके लगाया था एकदम, लेकिन ये विंड और करंट की वजह से काफ़ी मतलब एंकर पे लोड पड़ रहा है, चेन खींच रही है, तो ये अभी टेढ़ा हो चुका है. ये होता है वाइट कलर का फ्लैग, ये खाली ब्रिज से वॉच देखने के लिए कि ये चेन ड्रैग हो रही है कि नहीं हो रही है. दैट्स इट.
सो राइट नाउ आई विल गो बैक टू ब्रिज. सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड लर्न समथिंग. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.